मेरा नाम रमाकांत है और ये बात है मेरे कॉलेज के दिनों की। उस वक्त मैं पढ़ने के लिए गांव से शहर आया था और रहने के लिए एक सस्ता मकान ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं पूरे शहर में रहने के लिए मकान खोजने लगा और कुछ वक्त के बाद मुझे हमारे कॉलेज के नज़दीक ही एक मकान मिल गया, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना था लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ख़ास करके वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, वो बात कुछ ऐसी थी कि उस घर में एक ऊपर की तरफ कमरा था और वो कमरा हमेशा की तरह बंद ही रहता था और उस कमरे के आसपास जाने की मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि घर लेने से पहले मुझे उस मकान मालिक ने साफ साफ कहा था कि उस कमरे में एक भूतनी है और रात के 12 बजने के बाद उस कमरे से उसकी आवाज़ें आती रहती है। मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस मकान मालिक की वो शर्त मान ली और मैं उस मकान में रहने लगा। वो दिन उस घर में मेरा पहला दिन था। पूरा दिन अच्छा गया, लेकिन रात के 11 बजे मैं खाना खाकर सो गया था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुली और मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बज चुके थे और मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे पता नहीं था कि वो लड़की कौन थी, लेकिन फिर भी मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा और उसी कमरे के पास पहुंच गया, जिस कमरे के आसपास मुझे भटकने से मना किया था। वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा और एक पल के लिए मुझे उस मकान मालिक की बातों पर विश्वास हो गया कि उस कमरे में सचमुच एक भूतनी है। इसलिए मैं वापस अपने कमरे के अंदर चला गया, लेकिन वो रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने मन में कुछ सोचने लगा, ये भूत कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस कमरे के अंदर वो लड़की कौन है? क्या सच में वो एक भूतनी है या फिर ये मकान मालिक मुझसे झूठ बोल रहा है? कहीं उसने एक लड़की को वहाँ पर किडनैप तो नहीं किया होगा? ये भूत कुछ नहीं होता, मुझे वो कमरा खोल देना चाहिए और उस मकान मालिक को पुलिस के हवाले करना चाहिए। अभी जाकर देखता हूँ कि क्या है उस कमरे में। ऐसा सोचकर मैं उस कमरे के पास चला गया और थोड़ी देर बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला और फिर वो रोने की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद मैंने उस कमरे की लाइट्स लगा दी तो मैंने देखा कि वो कमरा बहुत ही ज़्यादा जगमगा रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक मैंने सामने देखा, वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे आसपास से बहुत सारा धुआं निकल रहा था और मेरे सामने एक भूतनी खड़ी थी। उसे देखकर मैंने कहा, कौन हो तुम? इस पर उसने कहा, अब मैं आजाद हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। इस पर मैंने कहा, तुम सच में भूतनी हो? उसने कहा, हाँ मैं भूतनी हूँ। मैंने कहा, प्लीज मुझे कुछ मत करो। इस पर उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी परछाई बनकर। आज से तुम सिर्फ मेरे हो,
सिर्फ मेरे। उस रात के बाद वो भूतनी हमेशा से मेरे साथ ही रहती थी, मेरी परछाई बनकर। वो मेरे सामने से बहुत ही ज़्यादा बुरे काम करती थी, लेकिन मैं आज भी उस भूतनी को रोक नहीं पाया। और मुझे नहीं लगता कि शायद मैं आगे भी इसे रोक पाऊँगा।